Welcome back guys to your Java GUI 6 tutorial, and as promised, in this tutorial I will show you how to perform action on your Java GUI objects. When I say objects, I mean objects mean buttons or text fields. So in previous tutorial humne ek is window create ki jisme humne 3 button add kiye the aur isme humne action perform karna. So action perform karne ke liye hame action लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट करना होता है. सो एक्शन लिसनर परफॉर्म करने के लिए हम एक एक्शन लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है. सो इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे इंप्लीमेंट्स और इसमें हम एक्शन लिसनर. मेक श्योर के ए और एल कैपिटल हो. दिस सो एक्शन लिसनर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. सो एक्शन लिसनर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है. इम्प्लीमेंट करने के बाद अब एक्शन लिसनर इस क्लास की तरफ से एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, क्योंकि हम जिस भी ऑब्जेक्ट्स पे जितने भी बटन्स पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे वो उस मेथड में हम करेंगे. सो सबसे पहले हम इधर हमारे उस मेथड को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. सो मेथड क्या होता है? मेथड है हमारा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म. सो ये एक्शन लिसनर क्लास का मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कैसे वो मेथड के हम जितने भी एक्शन परफॉर्म करने हैं उस मेथड में करते हैं. सो इस मेथड में हम एक्शन इवेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट है. सो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं. हम किसका? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो ये हमारा मेथड है बाय डिफॉल्ट हम इस एक्शन क्लास का जो हम बिल्ट इन मेथड है वो यूज करते हैं एक्शन लिसनर का. सो What is the use of this method? So, हम जो action perform करना चाह रहे हैं वो जो हमने last window create की थी yes or no और undecided के button उस पे कि हम जैसे press करें action perform हो. So इसके लिए सबसे पहले हमें इन buttons पे action perform करना है. So action perform करने के लिए हम इन buttons को लिखेंगे yes dot. So ये yes add action listener. So इस button पे हम add action listener add करने चाह रहे हैं. So ये add action listener है और इसमें हम क्या pass करेंगे? This. So what does it mean? कि दिस का मतलब है हमारा जो करंट कंट्रोल. इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस कीवर्ड, सो प्लीज गो टू माय चैनल एंड वॉच जावा बेसिक ट्यूटोरियल एंड देन कम बैक, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू हियर. सो दिस मीन कि जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि हमारी विंडो है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो करंट कंट्रोल हमारा यस बटन पे होगा. सो यस बटन का मतलब है दिस. अगर हम इस पे एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो दिस. सो ये एज अ इसके आर्गुमेंट एक्शन लिसनर. सो ये मेथड क्या हो रहा है? दिस हमारा पॉइंट कर रहा है किस मेथड की तरफ? इस मेथड की तरफ. सो जैसे ही हम यस प्रेस करेंगे सो ये दिस यहाँ पे आके एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट हो रहा है. और ये किस टाइप का? एक्शन इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है. सो दिस जैसे ही हम यस प्रेस करेंगे तो दिस यहाँ पे रेफरेंस पास करेगा. इसके लिए जाहिर है हमारे पास एक्शन इवेंट टाइप का आर्गुमेंट ऐसा वेर पास होगा. सो हम इसको यहाँ पर पास करने के बाद सो ये इसका यहाँ आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, एक्शन इवेंट कुछ भी, लेकिन ये जो नाम है ये इसका. सो ये एक्शन इवेंट क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से रिसीव हो रहा है, ठीक है. एक्शन करंट इसका कंट्रोल यहाँ है. सो जैसे हम प्रेस करेंगे तो जो कोड इस हम मेथड में लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा. सो एक्शन के लिए उसके बाद जब हम सेकेंड बटन पर परफॉर्म करेंगे एड एक्शन लिसनर, सो इसके लिए दिस, इसके लिए अलग दिस, और इसमें इसके बाद जब हम जब undecided dot add action listener, so इसमें so ये हमारा current. So तीनों buttons पे हमने action listener add किया और उनको control this से point कर दिया हमारे method की तरफ, ठीक है. अब इस method में हम इस पे जो action perform होना है वो करेंगे, ठीक है. और इस method में सबसे पहले हमने क्या करना है? एक method use होता है get source का. So कैसे होगा वो? सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, चेक करेंगे कौन सा बटन प्रेस हुआ है, क्योंकि दिस का क्या मतलब है? जो करंट प्रेस हुआ है वहाँ कंट्रोल आ जाएगा. सो अगर हमने यस प्रेस किया तो यहाँ इस जो हमारा ये मेथड कॉल होगा यस के जरिए होगा. सो इसमें हमने कंडीशन लगानी क्योंकि हमारे पास तीन बटन हैं. सो इफ ए ई क्या है हमारा? सॉरी पहले इसको मैं ए डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बटन का नाम था हमारा यस.
सो और इसके बाद हम इसमें सो इसका क्या मतलब है, ए ए डॉट गेट सोर्स, गेट सोर्स इसका बिल्ट इन मेथड है एक्शन डिसन क्लास का। ये क्या करता है, जो करंट हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होता है यानी जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका रेफरेंस होता है इसमें, ठीक है। सो ए क्या है, अगर हमने यस प्रेस किया तो फर्स्ट टाइम ए में क्या होगा, हमारा इस यस बटन का रेफरेंस होगा। तो जैसे हम ए प्रेस करें, जैसे हम ए डॉट गेट सोर्स करेंगे तो जो भी हमारा इन तीनों में से करंट प्रेस होगा उसकी यहाँ पे हो, तो ये क्या होगी हमारी करंट बटन की सोर्स जो यहाँ पर आएगी, और अगर ही इज इक्वल टू यस, ये कह रहे हैं हम जो जो बटन प्रेस हुआ है, जो बटन प्रेस हुआ है वो अगर हमारी ये जो यहाँ पर उसका रेफरेंस आएगा, और अगर वो इक्वल है हमारे यस के रेफरेंस से तो क्या हो, हम यहाँ पर एक सॉरी गाइस, इसमें मुझे एक लेबल ऐड करना था, सो उस लेबल को ऐड करते हैं हम। उस लेबल को ऐड करने के लिए, क्योंकि जब हमने बटन प्रेस करना तो हम चाहते हैं मैसेज शो हो कि यू प्रेस यस, तो उस लेबल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और एक लेबल डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक जे लेबल, और इसको हम लेबल नेम दे देते हैं, और इसको हम यहाँ पर इसके साथ साथ इनिशियलाइज करेंगे। सो लेबल इज इक्वल टू न्यू ये लेबल, और लेबल को हम स्टार्ट में हम मैसेज दे देंगे यू प्रेस नथिंग। सो ये फर्स्ट जो डिफॉल्ट हमारा मैसेज शो होगा, और इसको हम ऐड कर देंगे। और सो हम क्या चाहते हैं, जैसे हमारा बटन प्रेस हो तो हमारे लेबल में क्या मैसेज शो हो। अब सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हम टेक्स्ट सेट कर देंगे यू प्रेस्ड यस, ओके। और इसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर अब ये इफ का मतलब क्या है, ये अब इफ गेट सोर्स अगर कोई और बटन प्रेस हुआ है, लाइक हमारा नो का बटन प्रेस हुआ है, सो इसमें हम लेबल में हमारा जो मैसेज है वो हम शो करेंगे यू प्रेस नो, और इसके साथ साथ अगर हमारा बटन अगर थर्ड हमारी सोर्स है अनडिसाइडेड का अगर बटन प्रेस हुआ है तो हम यहाँ पे शो करेंगे अनडिसाइडेड। कोड कंप्लीट हो गया हमारा, सो हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं एक्चुअली मैंने किया क्या है। सो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद इसका एक लास्ट ओवरव्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।